रंजन गोगोई के राज्यसभा जाने को लेकर सवालों की बौछार। पूर्व सीजीआई से कपिल सिब्बल ने पूछे 5 सुलगते सवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है, लेकिन गोगोई के राज्यसभा भेजे जाने के फैसले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी दल इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में साथी जज भी गोगोई पर हमलावर हैं। हालांकि गोगोई ने कहा है कि वह शपथ लेने के बाद तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने रंजन गोगोई पर सवालों की बौछार कर दी है। दरअसल कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पूर्व चीफ जस्टिस से 5 सुलगते सवाल पूछे हैं। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर पर लिखा, रंजन गोगोई कृपया ये भी बताएं कि अपने ही केस में खुद निर्णय क्यों, लिफाफा बंद न्यायिक प्रणाली क्यों, चुनावी बॉन्ड का मसला क्यों नहीं लिया गया, राफेल मामले में क्यों क्लीन चीट दी गई, सीबीआई निदेशक को क्यों हटाया गया। इससे पहले एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि यही जस्टिस गोगोई ने सीजीआई रहते रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण करने को संस्था पर धब्बा जैसा बताया था और आज खुद ग्रहण कर रहे हैं। हमें इस मामले में कानूनी पहलू पर जाने की जगह पब्लिक परसेप्शन पर ध्यान देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इससे जुडिशियल सिस्टम को लेकर जनता में क्या संदेश जा रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा था कि आज हम जस्टिस खन्ना को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुमत के फैसले से असहमति जाहिर की थी। आर्टिकल 21 के प्रति उन्होंने कहा था कि वो सस्पेंड नहीं हो सकता। फैसला बेशक कानून के नजरिए में सही हो, मगर जनता के नजरिए में गलत था। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे कुरियन जोसेफ और मदन बी लोकुर ने भी पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन की कड़ी आलोचना की है। कुरियन जोसेफ ने कहा, रिटायरमेंट के बाद पद लेना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमतर करता है। जोसेफ ने कहा, गोगोई ने न्यायपालिका स्वतंत्रता के सिद्धांतों के साथ समझौता किया है। साथ ही उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि गोगोई की ओर से मनोनयन को स्वीकार किए जाने से न्यायपालिका में आम आदमी के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। मदन बी लोकुर ने कहा कि इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जस्टिस गोगोई को क्या सम्मान दिया जाएगा, लिहाजा उनका नामित होना चकित करने वाला नहीं है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली ये बात है कितनी जल्दी उन्हें यह सम्मान दिया गया। लोकुर ने पूछने के लहजे में कहा कि आखिरी किला ढह गया। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।